नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA और NRC को लेकर के जैसे पिछले दिनों प्रदर्शन देश भर में हुए, उन प्रदर्शनों को देखते हुए बीजेपी सरकार ने निर्णय लिया था कि उनके नेताओं के द्वारा घर घर जाकर के लगभग 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर इस बिल के बारे में सही जानकारी और सूचना से अवगत कराया जाएगा। और इसी तारतम्य में रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा घर घर जाकर के इस अभियान का शुभारंभ 1 जनवरी को किया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए जनार्दन मिश्रा ने बताया कि किस तरह से देश के विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस कानून की आड़ में किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं अपितु देने के लिए प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं द खबरदार न्यूज की ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज पर। मनमोहन सिंह जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में राज्यसभा में भाषण दिया था कि भारत सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाए और जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये लोग जो भारत में रह रहे हैं आकर के, इनको नागरिकता प्रदान की जाए। और आज जब मोदी जी ने इतने वर्षों की इन लोगों के कष्ट को दूर करने का अधिनियम पारित कर दिया, कानून बना दिया, तो ये अफवाह फैला करके और तमाम देश को गुमराह कर रहे हैं, नागरिकों का मनोबल तोड़ रहे हैं और इससे देश की पूरे विश्व में एक बदनामी करने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक राष्ट्र विरोधी कार्य है। और ये कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ है देश को तोड़ने के लिए, देश की छवि खराब, दुनिया में देश की छवि खराब करने के लिए प्रयास कर रही है। जहाँ तक NRC का मामला है, उसमें भी हम अभी तक तो विचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर विचार होगा, और ये अच्छा मुद्दा है, इस पर विचार होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग अनधिकृत रूप से यहाँ रह रहे हैं और निरंतर आ रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उसमें रोक लगेगी और भविष्य में कोई भी घुसपैठिया इस देश में प्रवेश करने नहीं पाएगा। ये हर देश को ये अधिकार है जानने का कि कौन हमारे देश में आ रहा है, कौन जा रहा है। जिस तरह से हम अपने घर में ये चिंता करते हैं कि हमारे घर में कौन आया, कौन गया, क्या है, रिश्तेदार आए, नात आए, दोस्त आए, कि अपरिचित आया कि दुश्मन आया, इसकी हम जांच पड़ताल करते हैं, उसी तरह से NRC भी देश के राष्ट्रवादियों और देश विरोधियों की पहचान करने का, विदेशी घुसपैठियों को पहचानना, चिन्हित करना, उनको हटाने का कानून है। उसमें भी अगर बनेगा तो उससे भी देश को फायदा होगा, राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होगी। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।